Welcome to the Sri Shyam Group of Education. Today we will talk about compound contained with two chiral center. अपनों ने last part में बात की थी chiral center की. Chiral center होता क्या है? अपने को पता है chiral center क्या होता है? जो क्या होता है? Asymmetric carbon होता है. जिसके जो चार ग्रुप होते हैं, चारों के चारों ग्रुप क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. उसको अपने एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं. और वो ही एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? काइरल सेंटर्स. तो मैंने तुम्हें बताया था काइरल सेंटर, टू काइरल सेंटर का मतलब क्या होता है. जैसे ये कार्बन इधर की तरफ, ये कार्बन इधर की तरफ मैंने लगा दिया CH3, इधर की तरफ लिख दिया H, इधर की तरफ Cl, फिर इधर की तरफ Cl, H, इधर की तरफ मान लो अपनों ने लिख दिया COH. क्या नेम है इसका? 2,3-dichloro-butanoic एसिड. अब इस ब्यूटेनोइक एसिड में आप मुझे बताओ कितने काइरल सेंटर प्रेजेंट है, कितने काइरल सेंटर प्रेजेंट है इस ब्यूटेनोइक एसिड में. फर्स्ट ऑफ ऑल इस कार्बन को देखो, इस कार्बन में 4 डिफरेंट ग्रुप आ जाएंगे, एक ये, एक ये और एक ये, और इधर की तरफ ये एल्किल ग्रुप. आगे क्या बात समझ में? तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है वो क्या हो जाएगा? काइरल कार्बन. ऐसे यहाँ पे देखिए, इस कार्बन एटम पे देखिए, इधर की तरफ Cl, इधर की तरफ हाइड्रोजन, चारों वैलेंसी देखनी है ये वाली. इधर की तरफ ये वाला आ गया, इधर की तरफ. तो इस कार्बन के भी चारों वैलेंसी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट. सो वी कैन सी दीज कार्बन इज काइरल कार्बन. आगे क्या बात समझ में? तो अपने टॉपिक पढ़ेंगे ऐसे कंपाउंड जिसमें टू काइरल सेंटर हो, इस टाइप के कंपाउंड पढ़ेंगे. अब इस टाइप के कंपाउंड में भी है ना, दो कंडीशन है अपने पास. कौन सी कंडीशन? देखो, एक तो कंडीशन क्या है, काइरल कार्बन के दोनों ओर क्या हो, सेम ग्रुप नहीं हो. ये काइरल कार्बन, ये काइरल कार्बन और ये काइरल कार्बन, इधर की तरफ CH3 है और इधर की तरफ COH. उसको अपने बोलते हैं कंपाउंड कंटेनिंग टू डिसिमिलर काइरल कार्बन या काइरल सेंटर. दूसरा अपने पढ़ेंगे कंपाउंड कंटेनिंग टू आइडेंटिकल काइरल सेंटर. तो सबसे पहले अपने बात करेंगे काइरल सेंटर में, टू काइरल सेंटर वाले कंपाउंड पढ़ रहे हैं अपने, कंपाउंड कंटेनिंग टू डिसिमिलर काइरल सेंटर. ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे आज अपने. देखो भाई, सबसे पहले अपने को यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसके, अब दो काइरल सेंटर तो होंगे, जिसके दोनों काइरल सेंटर में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो दोनों साइड में. आगे क्या बात समझ में? देखो कैसे. जैसे एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ CH3, इधर की तरफ लिख दिया मैंने C, इधर की तरफ आ जाएगा H, इधर की तरफ Cl, फिर आ जाएगा इधर की तरफ C, H, Cl और इधर की तरफ क्या आ जाएगा? COOH. यहाँ पे ये वाला कार्बन एटम देखिए, ये कौन सा कार्बन एटम? अभी मैंने बताया था काइरल कार्बन और ये वाला काइरल कार्बन. अब इसको जब भी आइसोमोर अब बनाते हैं अपने ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो उसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में अपने लिखते हैं. और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला अपना नेक्स्ट टॉपिक है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें करते क्या है. 1 नंबर कार्बन ये है, 2nd ये है, 3 ये है, 4. तो अपने करेंगे क्या, फर्स्ट वाले कार्बन को ऊपर की ओर लिखेंगे और वर्टिकल में लिखेंगे, ये जो मेन चेन है इसको वर्टिकल में. तो क्या आ जाएगा? COOH, इधर की तरफ कार्बन, फिर इस कार्बन पे क्या अटैच है? हाइड्रोजन, इधर की तरफ क्लोरीन, फिर अपने आ जाएगा C, इधर की तरफ क्या अटैच है? क्लोरीन और इधर की तरफ हाइड्रोजन, और फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? इधर की तरफ CH3. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने यहाँ पे करेंगे क्या, देखो भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मिरर इमेज बनाएंगे. चलो मिरर इमेज बना देंगे, अपने पास ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बनेंगे, मगर यहाँ पे कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे उसका एक फॉर्मूला है, वो देखिए. अगर किसी भी मॉलिक्यूल में आपको देखना है द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2n. n यहाँ पे क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ काइरल सेंटर.
नंबर ऑफ काइरल सेंटर। आगे क्या बात समझ में? अब यहाँ पे देखो कितने काइरल सेंटर है, टू काइरल सेंटर, तो कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? अब एक क्या आ जाएगा, एन इजिकल टू यहाँ पे क्या है, दो। देखो भाई टू काइरल सेंटर प्रेजेंट है तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, दो। तो क्या आ जाएगा अपने पास, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या आ जाएंगे, द नंबर ऑफ, इधर आ जाता हूँ, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2। तो कितने आ जाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ पे, 4। इसका मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 2 काइरल सेंटर प्रेजेंट हो तो उसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, 4। मेरी बात समझ में आ गई क्या? उसके लिए फॉर्मूला है 2 की पावर n। ज़्यादा अपने को ध्यान नहीं रखना है पावर लगा लगा के, क्योंकि अपने यहाँ तक ही है सिलेबस में 2 काइरल सेंटर और 1 वाला अपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब अपने को इसका बनाने हैं 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स। बनाने का तरीका देखो, एक बार तो आप है ना इसको लिखोगे ऐसे, इसका मिरर इमेज बनाओगे, पहले इसका मिरर इमेज बनाते हैं। मिरर इमेज बनाएंगे तो इधर की तरफ आ जाएगा सी, इधर की तरफ आ जाएगा सी ओ एच, इसका मिरर इमेज क्या आ जाएगा, क्लोरीन इधर की तरफ, और इधर की तरफ आ जाएंगे हाइड्रोजन, फिर इधर आ जाएगा सी, इधर की तरफ क्या आ जाएंगे क्लोरीन, और इधर की तरफ क्या आ जाएंगे हाइड्रोजन, फिर इधर की तरफ क्या आ जाएंगे सी एच थ्री। दो बन गए ना आइसोमर्स, एक ये और एक इसका मिरर इमेज। अब और आइसोमर्स देखो यहाँ पे कौन से बन सकते हैं, इसमें एक जो यहाँ पे कार्बन है ना उसका क्लोरीन इधर की तरफ कर दो, हाइड्रोजन इधर की तरफ, फिर उसका मिरर इमेज बनाओ, किसी का भी कर दो, दोनों कार्बन में इधर की तरफ मैंने लिख दिया सी ओ एच, नीचे की तरफ आ जाएगा अपने पास कार्बन, फिर इधर क्या आ जाएगा, इधर की तरफ सी एल, और इधर की तरफ आ जाएगा एच, फिर आ जाएगा सी, इधर की तरफ क्या आ जाएगा अपने पास क्लोरीन, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा एच, फिर नीचे की तरफ क्या आ जाएगा सी एच थ्री। आगे क्या बात समझ में? अब इसका मिरर इमेज बनाएंगे, क्या आ जाएगा इसका मिरर इमेज, तो क्या आ जाएगा सी, इधर की तरफ क्या आ जाएगा सी ओ एच, क्लोरीन दिखेगा इधर की तरफ क्या आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, फिर अपने बनाएंगे इधर की तरफ कार्बन हाइड्रोजन इधर की तरफ, और इधर की तरफ क्या हो जाएंगे क्लोरीन, और नीचे की तरफ क्या आ जाएंगे सी एच थ्री। तो अपने पास 4 आइसोमर्स बन गए हैं। एक बार तो मैंने सेम ग्रुप को वन साइड में रखा और एक बार अपोजिट साइड, ये ध्यान रखना, और दोनों के मिरर इमेज बनाओ, और कितने आइसोमर्स बन जाएंगे, 4। बनाने आगे क्या, आगे क्या बात समझ में? इसको मान लो स्ट्रक्चर्स ए या F1 मान लो, चलो 1, इसका आ जाएगा 2, इसको मान लो आप 3, और इसको अपने क्या मान लेते हैं स्ट्रक्चर्स 4, ताकि डेफिनेशन लिखने में प्रॉब्लम ना आए इनकी, ठीक है। अब देखो यहाँ से डेफिनेशन निकलती है कुछ, वो डेफिनेशन अपने आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डेफिनेशन है, देखो यहां से आता है एनेंसियोमर्स, फर्स्ट डेफिनेशन यहां से पढ़ेंगे एनेंसियोमर्स। एनेंसियोमर्स किसको कहते हैं, देखो वो कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो हो बट डू नॉट सुपर इम्पोज, इट्स कॉल्ड एनेंसियोमर्स। तो ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर्स है जो एक दूसरे की मिरर इमेज है, फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के मिरर इमेज है और सुपर इम्पोज तो होंगे ही नहीं, आगे क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स है। आगे देखो अपने नेक्स्ट थर्ड फोर्थ मिरर इमेज है, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे क्या है एनेंसियोमर्स, ये दोनों एक दूसरे के क्या है मिरर इमेज। थर्ड और फोर्थ क्या है यहाँ पे एनेंसियोमर्स, ये दोनों एक दूसरे की क्या है मिरर इमेज। तो एनेंसियोमर्स होता क्या है, अपने डिफाइन करेंगे दैट कंपाउंड, That compound which are, that compound which are mirror images to each other and mirror image
not superimpose. Is called enantiomers. हाँ भाई, तो इसमें एनेंशियोमर्स कौन कौन हैं? फर्स्ट एंड सेकंड्स आर एनेंशियोमर्स. फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर्स क्या है? एनेंशियोमर्स है. एंड थर्ड फोर्थ आर एनी प्रॉब्लम. ये कंप्लीट हो गया अपना. एनशियोमर्स क्या जगह? दैट कंपाउंड विच आर मेरी रिमेन्स टू ईच अदर एंड नॉट सुपर इम्पोज. तो फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे क्या है? एनेंशियोमर्स. आगे अब यहाँ पे भी एनेंशियोमर्स आइसोमर्स है ना, उनको टू टाइप में डिवाइड किया गया है. दी एनेंशियोमर्स डिवाइड इन टू टाइप्स, एरिथ्रो एंड थ्रियो. एरिथ्रो का मतलब क्या होता है? ये भी एनशियोमर्स है, ये भी एनशियोमर्स है. दोनों एनशियोमर्स है. फर्स्ट सेकेंड इज एनशियोमर्स एंड थर्ड फोर्थ इज एनशियोमर्स. ऐसे एनशियोमर्स जिसमें टू सेम ग्रुप वन साइड हो उसको अपने बोलते हैं एरिथ्रोफोम. तो यहाँ पे टू सेम ग्रुप वन साइड किसके हैं बताओ? इसके है ना. तो ये एनशियोमर्स कौन सा एनशियोमर्स है? एरिथ्रो. कौन सी फॉर्म है एनशियोमर्स की? एरिथ्रो फॉर्म. टू सेम ग्रुप प्रेजेंट इन अपोजिट साइड इज कॉल्ड थ्रियोफॉर्म. तो थ्रियोफॉर्म कौन सी हो जाएगी? थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर इज थ्रियोफॉर्म. तो क्या आ जाएगा? थ्रियो. आगे क्या बात समझ में? तो एरिथ्रो किसको बोलेंगे? इफ टू सेम ग्रुप प्रेजेंट इन सेम साइड. और थ्रियो क्या हो जाएगा? इफ टू सेम ग्रुप प्रेजेंट इन अपोजिट साइड. आगे एक तो एरिथ्रो हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? थ्रियो. आगे क्या बात समझ में? तो ये एरिथ्रो हो गए, दोनों क्या है? एनशियोमर्स. फॉर्म बोलते हैं इसको, एरिथ्रो फॉर्म और थ्रियो फॉर्म. समझ में आ गया क्या? सबसे पहले अगर मीरियर इमेज हो और डू नॉट सुपर इम्पोज इज कॉल्ड एनशियोमर्स. एनशियोमर्स डिवाइड इन टू टाइप, क्या जाएगा? एरिथ्रो एंड थ्रियो. एरिथ्रो मीन्स क्या हो जाएगा? इफ टू सेम ग्रुप प्रेजेंट इन सेम साइड इज कॉल्ड एरिथ्रो फॉर्म. एंड इफ टू सेम ग्रुप प्रेजेंट इन अपोजिट साइड इस कॉल्ड क्या आ जाएगा? थ्रियोफॉर्म. आगे क्या बात समझ में? तो यहाँ पे ये एरिथ्रोफॉर्म है और इधर की तरफ क्या आ जाएगा? थ्रियोफॉर्म. यहीं पे भी एक डेफिनेशन और है, उसको अपने डिफाइन करेंगे. समझ में आ गया कि एनशियोमर्स एनशियोमर्स मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड डू नॉट सुपर इम्पॉसिबल इस कॉल्ड एनशियोमर्स. ये सारे क्या हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स. दूसरा अपने एरिथ्रोफॉर्म इफ टू सेम ग्रुप प्रेजेंट इन सेम साइड. तीसरा आ जाएगा थ्रियो इफ टू सेम ग्रुप प्रेजेंट इन अपोजिट साइड. यहाँ तक आ गया समझ में? एरिथ्रो और थ्रियो. अब अपने लिखते हैं सेकंड डेफिनेशन. इसके अंदर ही आएगी डाइस्टीरियोमर्स. डाइस्टीरियोमर्स क्या होता है? डायस्टीरियोमर्स एक ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं हो. सुपर इम्पॉसिबल तो होगा ही नहीं क्योंकि मिरर इमेज ही नहीं है. तो यहाँ पे ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है बताओ? क्या फर्स्ट
स्ट्रक्चर थर्ड स्ट्रक्चर्स के वेरियर इमेज है नहीं है, बट ये चारों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे की क्या है, डू नॉट मिरर इमेज, डाइस्टीरियोमर्स। सेकेंड फोर्थ की क्या है, डाइस्टीरियोमर्स। थर्ड सेकेंड की क्या है, डाइस्टीरियोमर्स। आगे क्या बात समझ में, जो मिरर इमेज कौन कौन नहीं है, फर्स्ट से थर्ड के मिरर इमेज नहीं है तो डाइस्टीरियोमर्स। सेकेंड किसका मिरर इमेज नहीं है, फर्स्ट का तो है मगर थर्ड और फोर्थ का नहीं है, तो इसका मतलब सेकेंड और थर्ड इज डाइस्टीरियोमर्स एंड सेकेंड इज फोर्थ इज डाइस्टीरियोमर्स। यहाँ पे फर्स्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, फर्स्ट किसका मिरर इमेज नहीं है, फर्स्ट थर्ड का मिरर इमेज नहीं है और फोर्थ का मिरर इमेज नहीं है। तो इसको डिफाइन करेंगे कैसे करेंगे, दैट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट ऑप्टिकल आइसोमेरिजम्स, ध्यान से सुनना ये क्या बोल रहा हूं, दैट ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर, से लिख देता हूं थोड़ा, दैट ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर इज कॉल्ड Not mirror images to each other is called diastereomers. तो यहाँ पे कौन कौन diastereomers है, फर्स्ट किसका diastereomers है, किसका मिरर इमेज नहीं है, थर्ड का। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर एक दूसरे के क्या है, diastereomers। और कौन नहीं है diastereomers, कौन है बताओ, सेकेंड किसका है, थर्ड का। सेकेंड थर्ड का मिरर इमेज नहीं है बट ऑप्टिकल आइसोमर्स है, क्या आ जाएगा, डाइस्टीरियोमर्स। और कौन सी स्ट्रक्चर्स है जो मिरर इमेज नहीं है, सेकेंड थर्ड हो गए भी, नेक्स्ट कौन सी आ जाएगी बताओ, फर्स्ट थर्ड की मिरर इमेज नहीं है, क्या हो जाएगा, डाइस्टीरियोमर्स। फर्स्ट फोर्थ की क्या हो जाएगी, डाइस्टीरियोमर्स। आगे क्या बात समझ में, दे ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर इज कॉल्ड डाइस्टीरियोमर्स। फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड वापस लिख दिया गया, फर्स्ट एंड फोर्थ, कौन सा रह गया, फर्स्ट एंड थर्ड हो ही गया अपना, फर्स्ट एंड फोर्थ भी हो गया, सेकेंड एंड फोर्थ। यहां तक बोलो समझ में आ गया, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम्स। तो क्या आ जाएगा, डू नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड डाइस्टीरियोमर्स एंड मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंसियोमर्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, उसको थोड़ा और डिफाइन कर देंगे। आगे चले अपने नेक्स्ट, अपने आ जाएंगे बी कंपाउंड। ये अपने कौन से कंपाउंड पढ़ रहे थे, जिनके काइरल सेंटर में इधर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, जिनके काइरल सेंटर के दोनों तरफ क्या हो, सेम कंपाउंड नहीं हो। इधर CH3 ग्रुप है, सेम ग्रुप नहीं हो, इधर की तरफ CH3 है, इधर की तरफ COH, ये भी काइरल कार्बन है, हाँ काइरल कार्बन को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मैं इधर, ये भी काइरल कार्बन है, काइरल कार्बन। आगे बात समझ में, दोनों तरफ देखो, इधर की तरफ डिफरेंट ग्रुप है, इधर की तरफ। अब मुझे ऐसे बनाना है जिनमें दोनों तरफ क्या हो, डिफरेंट ग्रुप नहीं हो। तो ऐसा कौन सा एग्जांपल लेंगे, अपने टार्ट्रिक एसिड। अब अपने बी पार्ट आगे काइरल सेंटर का, बी पार्ट, बी कंडीशन पढ़ेंगे, ए कंडीशन होगी कंप्लीट। अब अपने बात करते हैं बी कंडीशन की, कंडीशन बी इधर ही कर देंगे, टू आइडेंटिकल काइरल सेंटर, टू आइडेंटिकल काइरल सेंटर। आगे क्या बात समझ में, आगे देखोगे,
कंपाउंड कंटेन टू आइडेंटिकल काइरल सेंटर, इसका मतलब काइरल सेंटर है जो दो है उनके जो दोनों तरफ के कंपाउंड है वो सेम हो, तो दोनों तरफ सी ओ एच कर देते हैं अपनी कंपाउंड, वही लिख देंगे जैसे ओ एच कर देते हैं, टार्ट्रिक एसिड ले लेते हैं। चलो साथ में आपके कंपाउंड भी याद हो जाएगा, टार्ट्रिक एसिड क्या होता है, फॉर्मूला सी ओ ओ एच, सी ओ एच इधर की तरफ एच, फिर आ जाएगा सी इधर की तरफ ओ एच, फॉर्मूला लिख रहे हैं टार्ट्रिक एसिड। टाइट्रिक एसिड ऐसे एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दो काइरल सेंटर है और प्लस में दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है। आगे क्या बात समझ में है, देखो इधर ये काइरल सेंटर है, देखो कार्बन के फोर ग्रुप हो गए डिफरेंट, इसका मतलब ये काइरल सेंटर प्रेजेंट हो गया। सेकेंड काइरल सेंटर अपने को आइडेंटिफाई करना है, इधर की तरफ देखो ये बड़ा, इधर ये ग्रुप आ गया, इधर ये आ गया, इधर ये आ गया और इधर ये, तो इसका मतलब इसमें कितने काइरल सेंटर प्रेजेंट है, टू काइरल सेंटर। अब अपने इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे, तरीका मैंने तुम्हें बताया था वर्टिकल में लिखना है मेन चेन को और दोनों सेम है, पहले किसी को ही लिख दो चाहे सी ओ एच, इधर की तरफ आ जाएंगे सब्स्टिट्यूट कौन से आ जाएंगे, इधर की तरफ ओ एच, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ आपको दिख जाए क्योंकि इसमें डेफिनेशन कम है, उसमें थोड़े छोटे लिखे थे क्योंकि डेफिनेशन थी साथ में। इधर की तरफ आ जाएगा सी ओ एच, इधर की तरफ आ जाएगा एच, सी इधर की तरफ आ जाएगा ओ एच और इधर की तरफ क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। तो कर दिया अपनों डिफाइन द कंपाउंड कंटेनिंग टू आइडेंटिकल काइरल सेंटर, दो आइडेंटिकल काइरल सेंटर है, आइडेंटिकल इसलिए बोला दोनों काइरल सेंटर पर सेम ग्रुप है, इस वाले पे भी सेम, इस वाले और इस वाले काइरल सेंटर के ग्रुप सेम है। सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया था, पहले इसका मिरर इमेज बनाओ, क्या हो जाएगा इसका मिरर इमेज, सी इधर की तरफ क्या आ जाएगा ओ एच, इधर की तरफ आ जाएगा एच, ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा अपने सी ओ ओ एच, फिर नीचे की तरफ क्या आ जाएगा सी ओ एच, फिर इधर की तरफ क्या आ जाएगा एच, फिर नीचे की तरफ क्या आ जाएगा सी ओ एच। आगे बात समझ में, नाम दे देंगे, एक तो स्ट्रक्चर होगी फर्स्ट और दूसरी क्या हो जाएगी सेकेंड। अब आपको थर्ड फोर बनाने के लिए मैंने तरीका बताया था, एक कार्बन का ओ एच इधर लिया और एच, सेम ग्रुप है वन साइडेड अदर साइड कर दो, आगे क्या बात समझ में, क्या हो जाएगा सी ओ एच, इधर की तरफ सी, इसका तो मैंने वैसे ही पड़ा रहने दिया एच और ओ एच, दूसरा कार्बन है उसके एच को तो मैंने इधर कर दिया और ओ एच को इधर, और अपने नेक्स्ट नीचे की तरफ क्या अटैच है सी ओ एच। अब इसका मिरर इमेज बनाएंगे अपने, क्या आ जाएगा इसका मिरर इमेज, सी इधर की तरफ क्या आ जाएगा ओ एच, इधर की तरफ आ जाएगा एच, ऊपर की तरफ आ जाएगा सी ओ एच, फिर नीचे की तरफ आ जाएगा सी, इधर की तरफ क्या आ जाएगा बताओ, इधर इसका मिरर इमेज एच और इधर की तरफ क्या आ जाएगा ओ एच और नीचे क्या आ जाएगा सी ओ एच। आगे बात समझ में, एनी प्रॉब्लम्स, नीचे की तरफ आ जाएगा सी ओ एच और इधर की तरफ क्या आ जाएगा एच, ठीक है। अब देखो जल्दी जल्दी में टेढ़े वेढ़े सीधे बना लेना आप, ठीक है, ये हो जाएगी थर्ड स्ट्रक्चर्स, ये आ जाएगी फोर्थ। सबसे पहले एरिथ्रो किसको बोलते हैं, टू सेम साइड ऑफ सेम साइड, टू सेम ग्रुप प्रेजेंट इन सेम साइड, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, एरिथ्रो फॉर्म, वही प्रोसीजर पूरा का पूरा। और ये कौन सा हो जाएगा, टू सेम ग्रुप प्रेजेंट इन अपोजिट साइड, ये कौन सी हो जाएगी, थ्री ओ, वो वाली बात है रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे कंपाउंड कंटेन टू आइडेंटिकल काइरल सेंटर में जो एरिथ्रो फॉर्म होती है उसमें सिमेट्रिकल एलिमेंट प्रेजेंट है, कैसे देखो इसको यहां से आप कट करो, सिमेट्रिकल एलिमेंट टॉपिक पढ़ना फिर आपको समझ में आएगा ये, और इधर से ये देखो, इसको करोगे तो नहीं होगा, इधर से अपने करते हैं कट, देखो प्लेन देखो, दोनों देखो इधर की तरफ सेम बन रहे हैं ना, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, इसका मतलब इसमें कौन सी प्रेजेंट है, सिमेट्रिक प्रेजेंट है एलिमेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कहने का मतलब ये है, मैंने तुम्हें बताया था जिसमें
एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। और यहाँ पे ध्यान से देखो स्ट्रक्चर्स की तरफ, एक्चुअली जब दो आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट हो काइरल सेंटर में तो तब क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इसलिए टू आइडेंटिकल काइरल सेंटर में एरिथ्रोफोम होती है वो क्या होती है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होती है। रीजन समझ में आ गया, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ बोथ मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री बोथ मॉलिक्यूल क्या देगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्यों है ये ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्योंकि इसके एरिथ्रोफोम में क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए इसका एरिथ्रोफोम क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो इसका मतलब कभी भी आप टू आइडेंटिकल काइरल सेंटर वाले कंपाउंड बनाते हो तो उसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं, केवल दो, चार नहीं बनते, क्योंकि बाकी दो क्या हो जाते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये आपके नीट एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीएससी में बहुत बार पूछा गया है, सीबीएसई में भी। क्या इसको बोलते हैं, मेसोटैट्रिक एसिड। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, जो क्या होते हैं, मिरर इमेज तो होते हैं बट क्या होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है उसमें। आगे क्या बात समझ में, जिनके एरिथ्रोफॉर्म में क्या प्रेजेंट होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे कंपाउंड को अपने बोलते हैं मिजो कंपाउंड। जो क्या होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसलिए ये वाली जो स्ट्रक्चर बनाएंगे ना कभी भी, तो इसको मेसोटैट्रिक एसिड बोलते हैं। आपको पता लग गया, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लिया था मेसोटैट्रिक एसिड का। मेसोटैट्रिक एसिड क्यों अब आपने कॉल करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ क्या है, सेम प्लेन बन रहे हैं और ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। आगे क्या, और ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री द कंपाउंड इज ऑप्टिकल इनएक्टिव, और ड्यू टू द ऑप्टिकल इनएक्टिव वी कैन से दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मेसो कंपाउंड। एनी वन प्रॉब्लम्स, आगे क्या बात समझ में। तो क्वेश्चन क्या है जो नीट में इंपॉर्टेंट है, नीट में इंपॉर्टेंट है, टैट्रिक एसिड के कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं, कितने होते हैं, ओनली दो, दो क्या हो जाते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। एनी वन प्रॉब्लम, ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम। कल अपने बात करेंगे मेसो कंपाउंड के बारे में, डिफाइन करेंगे अच्छी तरह से। ओके बाय।